तेरा घर का बंटवारा हो रहा है श्रद्धांजलि में, कैसे क्या लेते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल तो परिवारवाद के आधार पर वो राजनीतिक दल चल रहा है, और वास्तव में माननीय लालू प्रसाद जी के राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी तेज प्रताप यादव को होना चाहिए, और उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है स्वाभाविक है कि उनकी प्रतिक्रिया इस स्वरूप में आएगी। और तेज प्रताप यादव जी को तो उनका हक मिलना ही चाहिए था, और स्वाभाविक है उसी की एक प्रतिक्रिया है। और सबसे जो बड़ी बात है कि बिहार के विकास के प्रति इस परिवार की कोई रुचि रही नहीं है। सत्ता के करीब रहने का जो अभ्यास मिला है रहा है तो वह उसकी एक छटपटाहट है। इसलिए परिवार के सदस्यों में यह होर है कि कौन नेतृत्व करेगा, और आप देख रहे हैं कि विकास कार्यों में सरकार के जो अच्छे कार्य चल रहे हैं उसमें किसी प्रकार का उनका कोई सहयोग रहता नहीं है, और जो कांग्रेस और राजद महागठबंधन जिसका वो दम्भ भरते थे तो वो भी बिखर चुका है। तो पूरे विपक्ष की जो भूमिका होती है, और विपक्ष सरकार का अंग होता है और सरकार के अच्छे कार्यों में विपक्ष का सहयोग रहता है, इसका दूर दूर से इन लोगों का वास्ता नहीं है, और महागठबंधन पूरी तरह बिखर चुका है। और इसलिए जो बिहार में दो जगह जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ NDA पूरे बहुमत से और अच्छे मतों से दोनों चुनाव को जीतेगी, क्योंकि हमने बिहार के विकास के लिए लगातार जो काम किए हैं माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार के लोगों ने इस विकास को महसूस किया है कि दोनों सीटों पर हम लोग जीतेंगे। महागठबंधन अपने लड़ाई में भी इस तरह मस्त है कि उसको चिंता नहीं है कि बिहार को किस दिशा में ले जाना है, बिहार के विकास में किस प्रकार से जो विपक्ष की भूमिका है वो बनेगी। ये अपने स्वार्थ की राजनीति में और सत्ता की लोलुपता में इस तरह से परिवार और अपने महागठबंधन में उलझे हैं कि ये बिहार के प्रतिपक्ष के राजनीतिक दिशा को दर्शाता है। सर तेजस्वी ने ट्वीट किया है माँ का वास्ता, सर तेजस्वी ने ट्वीट किया है माँ का वास्ता दिया है तेजस्वी ने। देखिए, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि श्रीमती राबड़ी देवी जी माननीय मुख्यमंत्री रही हैं, और वो महागठबंधन की तो बात आप छोड़ दीजिए, अपने दल में भी उन्हें स्टार प्रचारक का स्थान नहीं मिल सका है। तो राष्ट्रीय जनता दल में जो परिवारवाद है उसका जो नेतृत्व की लड़ाई है वो इस तरह से गिर गई है कि उनके दो दो मुख्यमंत्री हैं उस परिवार में रहे हैं, और वे स्टार प्रचारक के रूप में कहीं दिख नहीं रहे। थैंक यू सर। उस परिवार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीसा जी रही हैं, वो स्टार प्रचारक में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि परिवार में नेतृत्व की लड़ाई किस हद तक नीचे जा चुकी है।